अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने वाले हैं स्प्रिंग स्प्रिंग रोल और समोसा रोल पट्टी। तो इसके लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया है। इसी कप से मैंने 2 कप मैदा लिया है और पानी ले लिया, जरूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। और ये मैंने तेल लिया है, ये भी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और ये मैंने नमक ले लिया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम शीट के लिए आटा लगाएंगे, तो जरूरत के हिसाब से ही नमक डालेंगे। तो आधा चम्मच के करीब हम नमक डाल लेंगे इसमें। देखो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने मिला दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चपाती से बस थोड़ा सा आटा हमें गूंदना है इसका। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, ये आटा हमारा गीला हो जाएगा। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। इसको हम ऐसे मसलते हुए 5 मिनट के लिए भूज कर चिकना कर लेंगे। ये देखिए 5 मिनट तक हमने इसको मसल कर चिकना कर लिया है। अब इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और ये पूरा आटा गूंदने के लिए हमें आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी लगा है। देखिए 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, आटे को हमारे अच्छे से सेट हो चुका है ये। और ये मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है, इसके हम पेड़े बनाएंगे। छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम। ये देखिए इस साइज के, इसी तरह हम और पेड़े अपने तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम और सारे बना लेंगे जितना आटा है हमारे पास। देखिए 8 पेड़े हमारे तैयार हुए हैं। अब इनकी हम पूरियां बेलेंगे, पूरी की तरह ही ऐसे करेंगे हाथ से ही, अंगूठे और बीच की उंगली की मदद से। थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे। एक साइड की हमें रोटी बेल कर रखनी है सारी। ये देखिए इस साइड की रोटी हम बेल कर रख लेंगे, ऐसे हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे इसकी। और इसकी मदद से हमें इसको बढ़ाना है। ये देखिए थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया, सूखा मैदा लगाएंगे। इसको भी हम उसके बराबर की रोटी बेल लेंगे। ये देखिए ये रोटी भी हमने बेल ली है, इसी के बराबर हमें सारी रोटियां बेल कर रखनी है। ये देखिए मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। ये देखिए अब इसको हम, आप 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी या 6 रोटी तक भी एक साथ बना सकते हैं। हम 3-3 पूरियां लेंगे एक साथ। इसमें हम लगाएंगे ऑयल अच्छी तरह से। आप इसको बना कर रख लेंगे तो आप चिकन रोल वेज रोल आप फटाफट से बना सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में।
से फिलिंग तैयार करें और फटाफट से रोल बना लें। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा मैदा अच्छी तरह से। देखिए तो दूसरी रोटी पे भी हम लगा लेंगे इसी तरह। हमें ऑयल अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये दोनों रोटियां आपस में चिपके नहीं। इस पर भी हम थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे। देखिए अब इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे। ऐसे हम अपनी तीसरी रोटी ले लेंगे, इस पर भी हम लगाएंगे ऑयल। इसमें लगा लिए अच्छे तरह से। ऐसे ही मैदा हम इस पर भी छिड़क लेंगे और इसको भी हम पलट के इस पर रख देंगे। ये तीन पूरियां हमने साथ ले ली हैं, आप चार से पांच की भी बना सकते हैं। इसी तरह हम अपनी दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। देखिए तीन तीन करके हमने रोटियां बना ली हैं। अब इसको हम बेलेंगे। बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना हमें इसको। देखिए हमने रोटी बेल ली है। उधर मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सेकना है। ये देखिए मैंने तवा भी गर्म कर लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये हल्का सा नीचे सीख जाएगा जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ज्यादा तेज गरम तवा नहीं चाहिए हमें। देखिए नीचे से ये सीख चुका है, अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए अब इसी तरह हमें उधर भी पकाना है। 8 से 10 सेकंड के लिए हमें एक तरफ सेकना है बस। जब तक हमारी रोटी सिक रही है तब तक के लिए हम ये दूसरी रोटी अपनी बेल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी रोटी दोनों तरफ से शीट हमारी तैयार हो गई है। अभी हम इसी तरह अपनी दोनों रोटियां भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो गई है, इसको भी हम डाल देंगे। देखिए ये भी सिक चुकी है एक तरफ से, अब इसका साइड चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ भी हम सेक लेंगे। ये देखिए तीनों रोटी हमारी सिक चुकी हैं और गैस हमने बंद कर दी है। अब इसको हम अलग करेंगे। ये देखिए इसी तरह हम इसको हल्के हल्के हाथों से अलग कर लेंगे। देखें आप इससे वेज रोल भी, चिकन रोल भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं। इसी तरह हम सबने सारे रोल अलग करके रख लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। ये देखिए आप इसको बनाकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं जब भी आपका खाने का मन करे। फटाफट से फिलिंग तैयार करके आप खा सकते हैं बनाकर। देखिए ये देखिए सारी शीट हमने अलग कर ली है। ये देखिए बड़ी आसानी से सब अलग हो गई हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हम लेंगे, आपको अगर समोसे की शीट निकालनी है तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इसको बराबर से रख लेंगे।
देखिए ये हमारे समोसे की शीट तैयार हो गई। अब हम अपने स्प्रिंग रोल की कटिंग करेंगे। किनारे से हम इसको काट कर निकाल देंगे चारों कोने से। ये देखिए आप चाकू की भी मदद से काट सकते हैं, चारों कोने निकाल देंगे। ये हमारी स्प्रिंग रोल की शीट तैयार हो गई। ये देखिए इसी तरह से हम अपने सारे शीट तैयार कर लेंगे काटकर। ये हमारी समोसे की शीट है, ये हमारे स्प्रिंग रोल की शीट है। ये दो दो रोटी रखकर हम सीजर से भी अच्छी तरह से काट सकते हैं। आपको जिस चीज से आसानी पड़े, सीजर से या नाइफ से, किसी चीज से भी काट लें, पिज्जा कटर से। ये देखिए देखिए हमारी स्प्रिंग रोल शीट और समोसा शीट हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत आसानी से ये बनाई जा सकती है। और जब भी आपका दिल करे स्प्रिंग रोल या समोसा खाने का, तो फटाफट से खाली प्लिंग तैयार कीजिए और फटाफट अगर आप घर में बनाकर खा सकते हैं। तो ये वीडियो भी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।